갑자기 내게 나타나죠 너. My beautiful family, my chachi, mommy, bhabhi, mausi, tai, dadi, auntie and my behne, मेरी sister, मेरी दीदी और मेरा भरा पूरा प्यारा सा परिवार, सबको मेरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक सूट पैटर्न का वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो कॉटन फैब्रिक होते हैं, जो प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक होते हैं, कि उनके साथ हम कितना डिटेलिंग कर सकते हैं, कितना उनके साथ हम न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो हम डेली वेयर में पहनना चाहते हैं, हम डेली वेयर में हमेशा कपड़े वो पहनना चाहते हैं जो हमारे लिए कम्फर्टेबल हों, जो पहनने में बहुत मतलब सॉफ्ट हो, मतलब जिसको पहन के हमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ना लगे हम, कि हमें फुल डे 24 आवर्स वो कपड़े पहनने होते हैं। तो हम लोग हमेशा अपने डेली वेयर के कपड़ों को हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। हमें हमेशा मोस्टली ऐसे कपड़े लेने चाहिए जिनको हम पहन के इरीटेट ना हो। मैं आपको अपना एक प्रॉब्लम बताती हूँ कि मैं कभी भी लेगिंग्स के साथ कंफर्टेबल नहीं, मैं कैसे भी लेगिंग ले लूँ, कितनी महंगी भी ले लूँ, कितनी ब्रांडेड ले लूँ, बट मैं कभी भी कंफर्टेबल लेगिंग्स के साथ नहीं। तो मैं 24/7 नहीं पहन सकती हूँ, मैं 2 घंटे या 3 घंटे पहन सकती हूँ लेगिंग्स। तो मैंने लेगिंग्स अपने वार्डरोब से बिल्कुल हटा दिया है। कुछ लेगिंग्स हैं जिसके मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही सस्ते और टिकाऊ ब्लाउज़ होंगे, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको अवेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा प्रॉब्लम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मुंह से लेके जो थान के कपड़े होते हैं वो आपको एज ए सूट पीस से सस्ते पड़ जाते हैं, और दूसरी बात ये उनमें हमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न मिल जाते हैं। हम अपनी सलवार भी अपने मतलब की बनवा सकते हैं, अपने मन से बनवा सकते हैं, एंड सूट भी हम अपने ही हिसाब से बनवा सकते हैं। क्योंकि जब हम सूट लेने जाते हैं कभी कभी क्या होता है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सूट का पैटर्न पसंद आ रहा होता है बट हमें जो नीचे का बॉटम होता है वो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता। लेते हैं जो हम लोग थान में से कपड़े लेते हैं उनमें तो वो प्लेन फैब्रिक होता है, उसमें हम डिटेलिंग कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही छोटी 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 चीज़ें की। तो मेरा आपका फर्स्ट जो मैंने सूट लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरा फर्स्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से है। फैब्रिक मैंने लिया था कुछ, ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है, ये रियोन कॉटन है। रियोन कॉटन जो होता है आप समझते होगे, ये रियोन कॉटन है। और सोचो मैंने ये पैटर्न बनाने के बाद अभी तक मैंने इस पर हेमिंग नहीं की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। इसमें मैंने आगे से सिंपल सा ये बोट नेक रखा हुआ, आपको दिख रहा होगा ये डोरी पीछे की है, बट आगे से मैंने सिंपल बोट नेक रखा हुआ, आपको दिख रहा है इसमें हेमिंग नहीं है। और बाकी ये स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट सूट है। इस सूट की मैं बात करूँ फैब्रिक की, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये रियोन फैब्रिक है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसमें ये स्वीकन से लाइनिंग है, ये सितारे का वर्क है जो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताती हूँ, जब मैंने ये सूट लिया था तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, लेकिन सडनली एक दिन मैंने टीवी खोली थी और उसमें इमली आ रहा था, इमली सीरियल वाला, हाँ, जो इमली पहनी थी वो सेम डिट्टो मतलब सेम इसी ये ही पैटर्न का सूट पहने हुए थी, और सिर्फ उसके कलर में थोड़ी, उसका नेवी ब्लू कलर था, ये ब्लैक है। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि बताओ यार, वो लोग इतने डिजाइनर से कपड़े पहनते हैं जो इतने महंगे हो जाते हैं, और हम लोग वही फैब्रिक खरीद के कपड़े बनाते हैं तो वो सस्ते लगते हैं, सस्ते बन जाते हैं। तो मेरा तो इमली वाला सूट हो गया ना ये। तो कुछ इस तरीके से ये सूट है, आप देख सकते हैं। इसमें तो सिंपल सा मैंने आगे बोट नेक किया हुआ है, और बाकी मैं आपको इसका वीडियो भी दिखा दूंगी, सॉरी जो फोटो वगैरह ऐड कर दूँ। यहाँ पीछे मैंने इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें मैंने ये बी नेक ड्रॉ किया हुआ, आप देख रहे हैं। मैंने पीछे पहले मैंने इसमें बोट नेक बनाया हुआ, सबसे पहले तो मैंने इसमें ये गार्ड लगाती हूँ पहले, तभी समझ में आएगा। तो डोरी नहीं बंधी होती ना, समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली डिज़ाइन क्या है, तो सॉरी तो टाइम वेस्ट हुआ आपका। तो इस तरीके से मैंने इसमें ये छोटा सा हा गला बनाया है, देन इसके बाद मैंने इसमें ये लगाई है डोरी, डोरी को मैं पीछे करती हूँ। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये थोड़ा सा वी नेक टाइप का, बहुत ही छोटा लेंथ में अच्छे, ब्रॉड कम है ये लेंथ में। जो
आगे से बेल्ट होती है, पीछे से इलास्टिक होती है, देन सिंपल से छोटा सा नीचे से उसमें मैंने डिटेलिंग की है, तो बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं था मैं उसमें, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। इसके बाद मैं आपको सेकेंड पैटर्न की फैब्रिक था, मुझे 100 रुपये मीटर मिला है और ये मेरा पूरा फैब्रिक 200 रुपये में था, तो मेरा ये कुर्ता 200 रुपये में बन गया है। अगर आप इसको किसी टेलर से बनवाओगे, नॉर्मल टेलर से बनवाओगे, तो आई थिंक वो 100 या 150 रुपये लेगा, और ये आपका कुर्ता 150 मिला के 350 में एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पैटर्न कपड़ा है, और जो मैंने जो भी थान से लिया हुआ, तो कुछ तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ फैब्रिक। पास से देखिए कुछ ना बंदेज टाइप का कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये, और बहुत ही सुंदर कपड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। तो मैंने ये भी थान से कटवाया था, और ये मुझे पहले, सबसे पहले मैं प्राइस की बात करती हूँ, मैंने ये 90 रुपये मीटर फैब्रिक लिया था, 180 का ये मुझे पूरा फैब्रिक पट गया। और इसकी जो मैंने नॉर्मल कटिंग की, जो ऐसे कुर्ते होते हैं, जो स्ट्रेट कुर्ते होते हैं जो हम लोग डेली वेयर में पहनते हैं, वैसे मैंने किया, और इसकी स्लीव्स भी 3/4 वाली है, मैं वही स्लीव्स पहनती हूँ और वो मुझे कंफर्टेबल लगती है। नाउ इसके बाद मैं डिटेलिंग करती हूँ इसकी नेक की, तो अब बारी आती है नेक की। तो सबसे पहले मैं आपको नेक के लिए बताती हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रॉड नेक रखा है, आप देख रहे हैं जो ऐसे ब्रॉड नेक आएगा, और ये भी वोट नेक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लोज है, क्लोज मतलब ये इतने से बड़ा है, इस वो यहाँ तक इतना क्लोज होगा, ये क्लोज नेक है। इसके बाद मैं आपको इसका डिटेलिंग दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है, इसके ऊपर ये पैच लगाया हुआ है, उसी फैब्रिक से मैंने इस पर पैच लगाया हुआ है। इस पर मैंने, ये आपको लग रहा होगा कि मैंने उसके ऊपर ही इसको डिटेल कर दिया, ऐसा नहीं है, पहले मैंने स्क्वायर जो चौकोर पीस पूरा काटा, उसके पीछे मैंने इसमें पेस्टिंग को लगाया, जो बुकरम पेस्टिंग होती है, फ्यूजिंग होती है, मैंने उसको पेस्ट किया। इसके बाद फिर मैंने उस पर डिटेलिंग कुछ इस तरीके से डिटेलिंग की, पहले गोटा पट्टी बोल समोसे वाली लेस, फिर इसके बाद ये गोटा पट्टी जो मल्टी कलर की लगी हुई है, जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके बाद ये प्लेन गोटा लगाया है, 1, 2, 3, देख रहे हैं, 3 तरीके से लगाया हुआ। इसके बाद सेम इधर किया हुआ है, और सेम इधर किया, इसको राउंड करके मैंने पूरे में लगाया हुआ है। अब जो बीच में ये खाली पैटर्न बचा, तो ये थोड़ा और लग रहा था, तो मैंने एक और पट्टी काटी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये अलग से लगी हुई है, इसी में 3 इंच की पट्टी काटी, इसको साइड से लेने के बाद ये 2 इंच की रह गई है, और इसमें मैंने साइड से ये गोटा लगाया, इसमें भी गोटा पट्टी लगाई साइड से, और बीच में एक और पीच कलर का लेस लगा के इसको फिनिश किया है। तो कुछ इस तरीके से इसका ये फाइनल लुक आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आया इसका पहनने के बाद। इस तरीके से कपड़ा है, और ये भी प्योर कॉटन कपड़ा है, सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कॉटन के ही कपड़े हैं, और ये भी वही 100 रुपये मीटर कपड़ा था। और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लहरिया में मल्टी कलर का ये भी है, और इस बार मैंने पता नहीं क्यों से वाइब्रेंट कलर लिए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको बता देती हूँ, मेरे पास बहुत ही लाइट कलर के कपड़े थे, तो इवन मेरी फैमिली में लोग वो टोकते हैं ना कि लाइक बहू जैसे कपड़े पहना करो, हाँ जैसे कि बहुत अच्छा लगता है कि रेड हो गया, मैंने तो मैं कभी भी ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं देखा, तो मैं हमेशा लाइट कपड़े पहनती हूँ, तो फैमिली मस्ट, और अगर किसी को अच्छा लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, तो मैंने इसलिए इस बार सारे कलर ऐसे लिए हैं, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर, और मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं कि मुझे कलरफुल रहना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा लाइट कलर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बट इट्स ओके, इस बार कुछ नया करते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हो सकता है उससे भी बेटर लगे, सामने वाले को ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो इतना नहीं पता चलता है। तो ये मेरा वाइब्रेंट कलर हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये कलर है। और यहाँ इसकी नेक की बारी आती है, तो मैं आपको दिखा दी, यहाँ पे मैंने टोटल इसमें ये जो स्काई ब्लू कलर की था, जो भी ये कलर इसमें आ रहा है आपको, ये वाला कलर, इसकी मैंने पाइपिंग लगाई है, ये आप देख सकते हैं आगे पीछे दोनों साइड से मैंने इसको पाइपिंग लगाई हुई है, ये पूरी नेक पे वोट नेक है, मैं सारे इस पर वोटी नेक बनाए हैं, और बहुत ही वोट नेक दरअसल बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका ये वोट नेक है। और इसमें मैंने डिटेलिंग की है, ये सिंपल सा पैच लगा के, जो मैंने 4 इंच का पैच काटा, कपड़ा काटा इस कलर का जो, और उस पर मैंने उस पर भी मैंने अंदर बुकरम पेस्ट की, जिससे वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो अच्छा सा डिटेलिंग हो जाता है, बहुत अच्छा सा लुक आता है, तो मैंने उसको इसमें लगाया। इसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4 गोटा लगाए लंबे लंबे, और साइड से मैंने समोसे लेस के साथ इसको
फिनिशिंग दी है। तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न इसका रेडी हो गया। पीछे छोटा सा नेक है, राउंड नेक है और इसमें थोड़ी सी हेमिंग करनी है। डोंट नोटिस कि मतलब ये कैसा खुचड़ा। तो ये इस तरीके से था ये। और अब मैं इसकी बारी दिखाती हूँ, किसकी बारी आई इसमें स्लीव्स की। तो 3-4 स्लीव्स है ये। उसके बाद मैं स्लीव्स में कुछ इस तरीके से इसको भी डिटेल किया है जिससे कि ये अपने नेक से थोड़ा सा मिसमैच करे। और देखिए बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो फाइनली ये इसका फाइनल लुक है। और इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र लिया है, बाद मैंने इसका ये पैंट लिया है वो नॉर्मल, जैसे आगे से बेल्ट है ये, पीछे से इसमें इलास्टिक है एंड साइड से दिखा देती हूँ फटाफट जिप है। और ये नॉर्मल जो पैंट्स होते हैं आप लोग बनाते हैं बस वैसे ही पैंट्स है। बस यहाँ पे मैंने अब कॉटन फैब्रिक में जो होता है ना कि क्या डिटेलिंग करो, प्लेन कपड़ा है इसमें क्या हो सकता है, लोग सारे से कट करवा लेते हैं, बटन लगवा लेते हैं, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं इसके अलावा आपको बताती हूँ। जो कॉटन की थ्रेड वो आती है लेस, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड सॉरी आपको थोड़ा सा हाँ देखिए इस तरीके से मैंने आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, इसमें जो क्या बोलते हैं जो ये कॉटन की लेस होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ तरीके से मैं सब कुछ दिखेगा। ये पूरा अंदर से कट है, कट वर्क टाइप का है। ये मैंने कुछ इस तरीके से इसमें किया हुआ है, ये ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये फर्स्ट लेस है जो मैंने इसमें पहले इसको लगाया, पहले इस जैसे पूरा पीस कट किया 6 इंच का, नीचे का जो सूट अपने प्लाजो में से 6 इंच का पूरा कट किया। इसके बाद मैंने इस लेस को अटैच किया, देन इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 पिनटक्स डाले। पिनटक्स का प्लीट बोल सकते, पिनटक्स तो नहीं है ये, प्लीट तो है जो थोड़ी पिनटक्स से बड़े होते हैं। देन इसके बाद फिर मैंने इसको गैप किया 1 इंच का। देन इसके बाद मैंने ये पतली वाली फिर से एक और कॉटन लेस लगाई हुई है। देन इसके बाद इसको प्लेन छोड़ने के बाद इसकी मोहरी को फोल्ड कर दिया हुआ है। तो बस ये सिंपल सा ट्राउज़र बहुत ही क्लासी बन गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए आप इसको पूरा डिटेलिंग देखिए, जब आप इसको पहनेंगी तो बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ये मेरे थे 3 सूट पैटर्न्स और स्टिचिंग आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टिचिंग से रिलेटेड, तो वो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। उसमें मैं आपके साथ पार्टी वेयर डिज़ाइनर सूट शेयर करने वाली हूँ, और वो भी अंडर बजट कि 500 रुपये में। मैं सच बोल रही हूँ 500 रुपये में आप एक बहुत ही बेहतरीन सूट कैसे रेडी करवा सकते हैं। अगर आप हमारे शहर के हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन या कुछ भी ड्रेस पसंद आ सकती है तो अगर आ जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, तो मैं आपको एज इट बना के वो डिज़ाइन दे दूँगी। एंड स्टिचिंग चार्ज भी मैं आपको वहाँ बताऊँगी। तो मेरे इंस्टाग्राम है ज्योति ब्लॉग के नाम से है, आप वहाँ जाइए और उस वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। मैं यहाँ कहीं पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी तो प्लीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही मैं पार्टी वेयर सूट के साथ आने वाली हूँ स्टिचिंग पैटर्न लेके। तो तब तक स्टे ट्यून रहिएगा, इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और ख़ुद भी देख लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको लास्ट तक की सारी चीज़ें पसंद आ जाए। और अगर पसंद आ जाती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड साइड वाले चैनल जो बना हुआ रेड कलर का बटन उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए।